आदिवासी के किस्मत में इस देश और राज्य के अंदर सिर्फ और सिर्फ जिल्लत भरी मौत के अलावा कुछ भी नहीं लिखा है। आदिवासी घट रहे हैं के नाम पर राजनीति करने वाले नेताओं की संख्या बढ़ती गई, यहाँ तक कि राजनीति करने वाले नेताओं का कद, शोहरत और पद सब बढ़ गया, लेकिन इसके बावजूद आदिवासी घट रहे हैं। आदिवासी घटने का कारण सिर्फ धर्मांतरण नहीं, बल्कि आदिवासियों को इस भ्रष्ट व्यवस्था ने अपने मोटे बूट जूते से कुचला हुआ है। आज आदिवासी बच्चे गंदा पानी पीने की वजह से हैजा, डायरिया जैसे बीमारी का शिकार हो रहे हैं, उल्टी करते करते तड़प कर मर जाते हैं, और अगर कोई आदिवासी बच्चा इस बीमारी से बच गया तो वो मलेरिया जैसे बीमारी का शिकार होकर किसी सरकारी अस्पताल में तड़प तड़प कर दम तोड़ देते हैं। ऐसी ही एक घटना है जहां साहिबगंज के सदर अस्पताल में सोमवार को इलाज के अभाव में एक 6 साल की मलेरिया से पीड़ित बच्ची ने अपने पिता के गोद में ही दम तोड़ दिया। बता दें, इस बच्ची को बचाने के लिए पिता डॉक्टरों की तलाश में करीब 1 घंटे तक अस्पताल के इमरजेंसी से लेकर ओपीडी तक भटकते रह गए, लेकिन उस बच्ची को इलाज के लिए एक डॉक्टर तक नसीब नहीं हो पाया। बाद में पता चलता है कि डॉक्टर पोस्टमार्टम कर रहे थे। जानकारी के लिए बता दें, मंडरो के सिमरिया गांव निवासी मथियस मालतो की 6 साल की बेटी गोमदी पहाड़ीन मलेरिया से पीड़ित थी। पिता उसे बेहतर इलाज के लिए साहिबगंज सदर अस्पताल पहुंचे थे, जहां इलाज ना होने के कारण उसकी बेटी की मौत हो गई। पिता का कहना है कि अगर समय पर उनकी बेटी का इलाज शुरू हो जाता तो शायद उसकी जान बच सकती थी। यह घटना तब की है जब सत्यनारायण भोक्ता इरफान अंसारी, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, ये तमाम लोग हेलीकॉप्टर में बैठकर छिलका रोटी खा रहे थे। माननीय मंत्री इरफान अंसारी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कल ही एक वीडियो को पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कल्पना सोरेन को भाभी हो तो ऐसी जमीन पर खिलाए धुस का, हवा में खिलाए चिल्ला और परिवार का हरदम ख्याल रखने वाली बातें कही हैं। अब ये सवाल माननीय मंत्री इरफान अंसारी से है कि क्या कल्पना सोरेन जैसी भाभी इस बच्ची की भी होती तो बच्ची बच जाती। एक तरफ जब आप सब हेलीकॉप्टर में घूम घूम कर अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे, उसी वक्त एक आदिवासी बच्ची अस्पताल में इलाज के अभाव से तड़प तड़प कर अपनी सांसें गिन रही थी, जिसकी उम्र महज अभी 6 साल ही थी। सरकार एक तरफ बहन बेटी के लिए एक योजना लाती है, हर महीने 1000 रुपये देने की बात करती है, जो 1000 रुपये इस बच्ची को 18 साल में मिलता, लेकिन उसी 1000 रुपये का भी इलाज नहीं हो पाया इस बच्ची पर। इलाज हो जाता तो शायद इस बच्ची की जान बचाई जा सकती थी। इस घटना पर घिन करें, गुस्सा करें या दुख व्यक्त करें, कोई शब्द ही नहीं है हमारे पास। बाकी आप सब इस घटना पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दे सकते हैं। तब तक के लिए जोहार।